बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट व जया फाउंडेशन द्वारा छात्र छात्राओं को परीक्षा से संबंधित वस्तुओं का वितरण। जी हां, आपको बता दें कि जया फाउंडेशन की तरफ से कक्षा 10वीं के बच्चों को परीक्षा सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार पाल जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष अजय दुबे जी व समाज सेवी ललित जैन उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जया छेड़ा ने की। कार्यक्रम का आयोजन जया फाउंडेशन की सचिव सुमन त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया और हजारों छात्रों व छात्राओं को परीक्षा से संबंधित सामग्री दी गयी। सबसे पहले तो मैं जया फाउंडेशन को धन्यवाद करूंगा, खास करके जया मैडम और सुमन त्रिपाठी जी को कि आज उन्होंने यहाँ पे इतना सुंदर कार्यक्रम रखा और इसमें यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे ऐसे सामग्री और बहुत सारे प्रोत्साहित किया बच्चों को आने वाले उनके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी ऐसी सामग्री, नोटबुक और नोटपैड और एग्जामिनेशन पैड, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वितरण किया गया। छोटे छोटे बच्चों को कुछ यहाँ पे बिस्किट्स और वो वितरण किया गया। तो आज यहाँ पे हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट और जया फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए और उनको बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों ने अपने हिसाब से सभी ने उनको कुछ ना कुछ बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं। देखिए, हमारे जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है, उस अभियान को हम लोग पूरे इंडिया में इसका ड्राइव चला रहे हैं, एक जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमारी संस्था के माध्यम से हर साल जो 10th एंड 12th की बच्चियां जो अच्छे नंबरों से पास होकर आती हैं उनको भी हम लोग बुला के उनको उनका गुणगौरव सम्मान और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग आए दिन कुछ न कुछ उनको प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी जो ये संस्था है, ये जो मोदी जी ने घोषणा की उसके पहले की बनी हुई संस्था है और उसके अजय दुबे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं तो अपना वही विषय रखना चाहूँगा, चलता भारत और बढ़ता भारत और इस सनातनी भारत की योजनाओं का लाभ हर आदमी ले। जो योजनाएं सरकार की हैं पहले की तरह कुछ नहीं, अब कई योजनाएं हैं, कई भी हैं, ऐसे 44 योजनाएं हैं और ख़ासकर इलाज के लिए, इंसान इलाज में ही कहीं भी गिरता है, कुछ भी होता है तो इलाज के लिए 6-6 योजनाएं हैं जिसमें आयुष्मान है, स्टेट ज्योतिबा फुले कार्ड है और उसके साथ में चार इंश्योरेंस की योजनाएँ केंद्र सरकार की हैं। इन 44 योजनाओं का अगर लाभ कोई लेता है तो अपने आप में भारत को बढ़ता हुआ ही दिखेगा, गिरता भारत नहीं दिखेगा। इन योजनाओं के लिए हमको सबको जागरूक करना चाहिए, प्रथम धर्म हमारा यही बनता है। देखिए, मैं खुद ही 6 स्टेट में अपने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर संस्था को खड़ा किया है और टोटल 6 स्टेट में मिलकर 5 लाख लोगों को स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाया है। आयुष्मान के बारे में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जागरूक करते हैं, वो बनी रहा है। उसके बाद में हमारा जो आत्मनिर्भर का है उसकी हम तो एक पूरे हर 6 महीने में एक प्रिंट बुक करते हैं आत्मनिर्भर की योजनाओं के बारे में, उनके ऑनलाइन लिंक मेल ये सब रहते हैं, अब मैं लाना भूल गया नहीं तो वहाँ आपको विस्तृत करता। तो ये योजनाएं सब तक हमारे तो महाराष्ट्र में तो हमारे हर जिले में जिला अध्यक्ष है, संगठन है, उत्तराखंड में हर जिले में संगठन है, वार्ड अध्यक्ष तक है, ऐसे ही चेन्नई में है,
तो हम 6 स्टेट में किए हैं और ये हमारी योजना चल रही है और इसमें हम कोई वोट मांगने वाला काम नहीं करते हैं। हमारा ध्येय है कि हर लोगों तक पहुंचे और आप लोगों के इस मीडिया के माध्यम से चाहूँगा हर व्यक्ति 5 आदमी को लाभ पहुँचाए तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। हमारे पास कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जैसे वक्फ बोर्ड है, जैसे हलाल की 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, या फिर हमारे पास कोई हमारे मंदिरों का 4 लाख मंदिर का पैसा 1 लाख करोड़ रुपये हमारे समाज को नहीं मिलता है, हमारा पैसा कहीं और जाता है, लेकिन योजनाओं का लाभ ले और ये 2-3 योजनाओं के लिए जागृत हों, यही मेरा एक गुजारिश रहेगा। और MP में जैसे 3-3 योजनाएँ हैं, हर कन्या के घर में 1000 रुपये महीना, लाडली योजना शादी के लिए 50,000 और पढ़ाई लिखाई के लिए कन्या का जन्म लेना मतलब उसके लिए एक लक्ष्मी का जो काम किया है लक्ष्मी हमारे MP के मुख्यमंत्री और सारे मुख्यमंत्री और देश के सभी लोगों ने करना चाहिए, ये मैं अपील अपनी तक पहुंचाना चाहता हूँ। ललित जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो राष्ट्रीय सेवा संघ के संचालक हैं। सर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो आज का जो कार्यक्रम है इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है भारतवर्ष को परम वैभव की तरफ ले जाना है, विश्वगुरु बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, उसके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ उसके बिना संभव नहीं है। जब तक अभी भी 26 जनवरी को तो गर्ल्स को काफ़ी प्राधान्य दिया गया था, तो भारत को अगर परम वैभव तरफ ले जाना है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बिल्कुल इनएविटेबल है। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट उसी के साथ में जो उसको ज्वाइन करते हैं जया फाउंडेशन जी के जो संस्था है जया फाउंडेशन ये बदली में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, उसके अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं जया छेड़ा जी। मैडम आप क्या कहेंगे इस बार? जो काम कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, इन्होंने जो ट्रस्ट खोली है जिसे इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि विश्व को सुधारना है या विश्व को बड़ा करना है, तो बेटियों को ही क्यों हम पकड़ते हैं? तो इसीलिए पकड़ते हैं कि आदमियों को एक दिमाग में आ गया है कि बच्चे होने चाहिए, लड़का होना चाहिए, बेटी होनी नहीं चाहिए। अगर विश्व में औरतें स्त्री वुमन बेटी वही नहीं रहेगी तो सृष्टि बनेगी कैसे? इसीलिए जो इन्होंने बोला कि 5 जन का भला करो या हम पैसा नहीं लेते किसी के या कोई आगे करे, इनकी भावना इतनी अच्छी है कि मैं चाहूँगा कि सभी को कि सभी सुने और उसके ऊपर अमल करें। पता है हम भगवान नहीं है, हम सबका हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और बेटियाँ कसम दें कि बेटियाँ बचें और विश्व भी बचे। धन्यवाद मैडम।